गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल गाइडेंस। अगर हम देखेंगे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, सुपरफिशियली हमने समझने की कोशिश की थी मेन टाइप्स क्या है गाइडेंस के। उसमें हमने कहा था कि तीन मेन टाइप्स है, जिसमें हमने कहा था पर्सनल गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, वोकेशनल गाइडेंस, और उसी टॉपिक में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जहां तक ओवरऑल गाइडेंस की बात हम करते हैं। अगर हम देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो मेनली हम फोकस करेंगे एजुकेशनल गाइडेंस के मीनिंग पे, एंड देन हम कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे, एंड लेटर ऑन हम ऑब्जेक्टिव्स पे भी फोकस करेंगे। अगर हम देखते हैं एजुकेशनल गाइडेंस क्या है, इसके मीनिंग से हमें यही समझ आता है कि ये वो टाइप है गाइडेंस का दैट अ पर्सन नीड्स वाइल लर्निंग इन स्कूल्स और वी कैन से इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इससे हमें क्या समझ आता है, एजुकेशनल गाइडेंस जो है ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सॉर्ट आउट करने में हर कोई वो डिफिकल्टी जो वो फेस करते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। या हम ये भी कह सकते हैं एजुकेशनल गाइडेंस जो है ये एसेंशियली रिलेटेड है हर एक एस्पेक्ट जो जुड़ा हुआ है एक इंस्टीट्यूशन के साथ, चाहे वो वहाँ के गोल्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, करिकुलम हो, टीचिंग मेथडोलॉजी हो, टीचर्स का रोल हो, या इवन कोई भी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज हो। हम ये भी कह सकते हैं जो एजुकेशनल गाइडेंस है ये हेल्प करता है लर्नर को ताकि वो एडजस्ट हो पाए अपनी एबिलिटी के हिसाब से, चाहे वो करिकुलम की बात हम करें या को करिकुलर एक्टिविटीज की हम बात करें। नेक्स्ट हम ये भी कहते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस जो है ये एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को, ताकि वो एक सेंसिबल डिसीजन ले पाए, एक सेंसिबल सिलेक्शन कर पाए, जहां तक उसकी ओवरऑल एजुकेशन लाइफ की हम बात करते हैं। उसमें अगर हम ये भी कहेंगे कि जहां तक उसकी ओवरऑल एजुकेशन की प्लानिंग की हम बात करते हैं, और लेटर ऑन वो सक्सेसफुली उसको कैरी ऑन कर पाए ताकि उसको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। हम कहते हैं एजुकेशनल गाइडेंस वो टाइप है गाइडेंस का जो हेल्प करता है एक लर्नर को ताकि वो सिलेक्ट कर पाए एक प्रॉपर स्कूल, कोर्सेज, सब्जेक्ट्स, इनफैक्ट वो हेल्प करे डेवलप कराने में एक स्टूडेंट को एक स्टडी हैबिट्स, गुड स्टडी हैबिट्स आई कैन से, और उनको हेल्प करे, डायरेक्शन दे वो कैसे ओबटेन करेंगे स्कॉलरशिप्स को, ताकि और ओवरऑल वो प्रोग्रेस कैसे करेंगे ताकि वो खुद सेटिस्फाई हो, जहां तक उनकी स्टडीज की बात हम करते हैं। एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो भी गाइडेंस मिलेगी वो भी एजुकेशनल गाइडेंस में ही फॉल होती है। हायर एजुकेशन वो कौन सा ऑप्ट करेंगे, कौन सी स्ट्रीम लेंगे, वो सब हम एजुकेशनल गाइडेंस में ही इंक्लूड करते हैं। हम कहते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डायरेक्टली कंसर्न्ड है विद द स्टूडेंट्स लाइफ। इसमें अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो है स्टूडेंट का ही मेन रोल है, स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट की हम इसमें बात करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं जो एजुकेशनल गाइडेंस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स की जहां तक हमने बात की थी उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर हम देखते हैं जो एजुकेशनल गाइडेंस है, बहुत सारे डेफिनेशंस दी गई साइकोलॉजिस्ट ने, गाइडेंस एक्सपर्ट्स ने, और उसमें हम कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके साथ शेयर करूंगी, बाकी डेफिनेशंस आपको खुद पढ़नी है बुक से, बिल्कुल वो लूसिड वे में लिखी है, आप इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो डेफिनेशन मैं शेयर करूंगी वो दी है सर जॉन्स ने, और जॉन्स का कहना है एजुकेशनल गाइडेंस इज कंसर्न्ड विद असिस्टेंस गिवन टू स्टूडेंट्स इन देयर चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट्स विद रिलेशन टू स्कूल करिकुलम एंड कोर्सेज ऑफ स्कूल लाइफ। अगर हम देखते हैं, अगर इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ये वो असिस्टेंस है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि वो सिलेक्ट कर पाए अपने सब्जेक्ट को, वो एडजस्ट कर पाए ओवरऑल जो उनकी स्कूल लाइफ है उसमें वो प्रॉपरली एडजस्ट कर पाए, वो करिकुलम को समझ पाए, कोर्सेज ऑफ स्टडी को समझ पाए। करिकुलम जो यहाँ पे ये ब्रॉडर टर्म है यहाँ पे डिफाइन की गई है। इसी तरीके से बहुत सारी और भी डेफिनेशंस है, वन वे और द अदर वे, इनका यही जो मैंने मीनिंग में ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया वही उसका क्रक्स, वही समझ हमें आता है उन डेफिनेशन से। और एक डेफिनेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ब्रीवर ने दी है। ब्रीवर का मानना है दैट एजुकेशनल गाइडेंस जो है ये कॉन्शियस एफर्ट है जो असिस्ट करता है एक लर्नर को ताकि उसकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो डेवलप हो जाए। अगर हम एनालिसिस करते हैं इन सब डेफिनेशंस का, और भी आप डेफिनेशन जो खुद पढ़ेंगे उनका जब हम एनालिसिस करते हैं, तो हम कह सकते हैं एजुकेशनल गाइडेंस जो है ये एम्फेसिस देता है ऑन द असिस्टेंस गिवन टू अ स्टूडेंट इन द चॉइस ऑफ सच एजुकेशन एज इज इन हार्मनी विद हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं जो ये डेफिनेशंस है इन
का कंक्लूजन यही आएगा दैट एजुकेशनल गाइडेंस इज अ प्रोसेस कंसर्न्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हार्मनी बिटवीन द पोटेंशियलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट एंड द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू हिम. इन सब डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है एजुकेशनल गाइडेंस की. एजुकेशनल गाइडेंस की जहां तक हम बात करते हैं इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मॉनिटर द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई स्पेशल लर्नर्स. अब स्पेशल लर्नर्स यहाँ पे क्या है जैसे हम पहले समझते हैं बीइंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है. हमें पता है हर एक लर्नर जो उसको एक अपनी स्पेशल कैपेसिटी है अपनी एक स्पेशल इंटरेस्ट है कैपेबिलिटी है. कुछ स्टूडेंट्स बैकवर्ड होते हैं कुछ गिफ्टेड है कुछ क्रिएटिव है. ये एजुकेशनल गाइडेंस ही हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में स्पेशल लर्नर्स को कैसा स्पेशल ट्रीटमेंट हम देंगे. देन नेक्स्ट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स to participate in the educational activities in which they can develop leadership, etiquettes, and other social qualities. Then one more important objective is that to help students to make educational plans. यहाँ पे educational plans को अगर हम थोड़ा सा elaborate करेंगे, that means education के related जो भी aims है, जो भी goal एक बच्चे ने रखा है, वो उसको guide करे, उसी direction में लेने के लिए help करे, उसकी aspirations को वो समझे, एक student खुद की aspirations को समझे. One more important objective is to assist students to understand themselves. Understand themselves का यहाँ पे क्या मतलब है? बच्चे को अपना कैलिबर पता होनी चाहिए, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रीम लेना चाहे, उसकी नीड्स क्या है, उसकी कैपेसिटीज क्या है, उस बच्चे में कितना कैलिबर है. ये सब हेल्प करता है एक एजुकेशनल गाइडेंस से, इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. Then one more is to help students in their adjustment to curricular and co-curricular demands. जो भी curricular या co-curricular या in fact extra co-curricular activity जो भी demand करेगी बच्चा उसमें adjust हो पाना चाहिए. ये भी एक educational objective guidance का objective है. अगर हम देखते हैं जो भी आज हमने पढ़ा इन थोड़ा सा हमने डेप्थ में समझने की कोशिश की एजुकेशनल गाइडेंस के मीनिंग को ऑब्जेक्टिव्स को और कुछ डेफिनेशंस भी हमने यहाँ पे शेयर की उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट एजुकेशनल गाइडेंस जो है ये वाइटली रिलेटेड है टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्कूल द करिकुलम द मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन द सुपरविजन ऑफ इंस्ट्रक्शन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स अटेंडेंस करिकुलर एक्टिविटीज हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम्स होम एंड कम्युनिटी रिलेशंस इस सब में ये इंक्लूड होता है. हम ये भी कह सकते हैं जो एजुकेशनल गाइडेंस है ये वो गाइडेंस है विच इज मेनली कंसर्न्ड विद सच प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एज आर फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. आई होप कि आपको आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अगर हम देखेंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ा एजुकेशनल गाइडेंस लाइकवाइज जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम थोड़ा वोकेशनल गाइडेंस को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली पर्सनल गाइडेंस को भी हम समझेंगे. इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ. थैंक यू सो मच. एंड और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बीएड डिस्टेंस बैच 2018 का डेट शीट आ चुका है. उनको बेस्ट ऑफ लक टीम एंडलेस लर्निंग की तरफ से. नर्वस होने की कोई बात नहीं है. कॉन्फिडेंट रहे. ट्राई योर बेस्ट. गुड लक. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.